दिनांक 5 अप्रैल 2009 को 6 डाला प्रवचन क्रमांक 25 सुनिए। तीसरी ढाल प्रवचन क्रमांक 4। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काया को नामाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ईशो काज सब आश भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रयोग समारिके। पंडित प्रवर दौलत राम जी की आध्यात्मिक रचना 6 ढाला शास्त्र का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। तीसरी ढाल के दूसरे छंद पर चर्चा प्रारंभ की है। 3 पंक्तियों की बात हो चुकी थी। 4थी पंक्ति में बहुत गंभीरता से विचार करने लायक है, इसलिए आज उसकी चर्चा करेंगे। पहले अपन छंद पढ़ते हैं। दूसरा छंद, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत कोई। सारा जगत इस पंक्ति में भरमाया है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। इसके पहले भी 3 पंक्तियों में शुद्ध आत्मा के दृष्टि पूर्वक जो श्रद्धान प्रतीति सम्यक अभिनिवेश अभिप्राय होता है, जिसको यहाँ रुचि शब्द से कहा है, वो सम्यक दर्शन है। उसमें 7 तत्व की भी यथार्थ श्रद्धा होती है और ज्ञायक स्वभाव में अहमपना होता है। स्व और पर का भेद विज्ञान वो सम्यक ज्ञान है और भेद ज्ञान के साथ में जो कषाय का अभाव है, आत्मा में लीनता, ये अस्थि से चारित्र है और कषायों का अभाव ये नास्ति से चारित्र है। समझ में आया? ये निश्चय मोक्ष मार्ग की बात हुई। मिला जयंती भाई, छोटी पुस्तक है 56 पेज। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। इसमें सीधा सरल अर्थ तो यही निकलता है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, कि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग नियत को माने निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु अर्थात निमित्त कारण। इसके स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 2 अर्थ हैं। जब मोक्ष मार्ग की बात है ना, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है व्रतशील संयम इत्यादि, ठीक है, और निश्चय मोक्ष मार्ग है वितराग भाव। तो कल तो बहुत आया था, परसों आया था वो विषय कि व्यवहार मोक्ष मार्ग माने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, शास्त्र अभ्यास,
और व्रतशील संयम का आचरण वो निश्चय मोक्ष मार्ग में निमित्त है। इसलिए यहाँ निमित्त कहा है, हेतु नियत को हो ही तो हेतु का अर्थ यहाँ पर निमित्त कहा है। उसको निमित्त क्यों कहते हैं इसकी चर्चा अपन ने बहुत विस्तार से की है। उसका सार केवल इतना है कि अनुकूल जो बहिरंग पदार्थ अथवा देखो दो द्रव्यों की बात हो गए तो पर द्रव्य को निमित्त कहा जाता है, और एक ही द्रव्य में निमित्त निमित्त पना दो भावों में लगाते हैं, जैसे ज्ञान में और सुख में। भेद विज्ञान हुआ तो सुख भी प्रारंभ हुआ, तो भेद ज्ञान निमित्त है, सुख नैमित्तिक है। समझ में आया है? सम्यक दर्शन निमित्त है, सम्यक ज्ञान नैमित्तिक है। सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सम्यक कारण ज्ञान चौथी डाल में आएगा। ऐसे अंतर अंतर में भी एक पर्याय को दूसरी पर्याय का निमित्त कहा जाता है, क्योंकि वो उसके होने पर होती है और अनुकूल होती। स्वा पर में एकत्व बुद्धि वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं है। या सम्यक दर्शन होवे और स्व पर में एकत्व बुद्धि बनी रहे, देह में एकत्व बुद्धि बनी रहे। समझ में आया? देह को अब मैं हूं इस तरीके से जाने, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये परस्पर अनुकूल पर्याय हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति। तो ये तो अंदर अंदर वितरागता वितरागता में ही निमित्त है। शुभ भाव को भी व्यवहार से निमित्त कहा जाता है। समझ में आया? और जो आगे जो भविष्य में वितराग दशा प्रकट होने वाली है तो भूत निगम में से अभी पीछे के शुभ भाव को निमित्त कहा जाता है। इसलिए जगत को ऐसा भ्रम हो गया कि ये करते करते निश्चय होगा, व्यवहार करते करते निश्चय होगा। है तो ऐसा कि निश्चय होवे यानी वितराग मोक्ष मार्ग होवे तो निमित्त का आरोप पीछे के शुभ भाव पर व्यवहार पर किया जाता है। हाँ, तो यहाँ मोक्ष मार्ग की बात है। जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो गए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त है। टोडर मुनि ने कहा मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी हो गए उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना वो व्यवहार है। इस हिसाब से निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से हेतु नियत को होई का अर्थ इसमें किया है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है लेकिन निश्चय व्यवहार तो प्रत्येक वस्तु के प्रतिपादन में होते हैं ना। निश्चय प्रतिपाद्य है, व्यवहार प्रतिपादक है। न्याय शास्त्र में जो ज्ञान कराने वाला लक्षण होता है उसको हेतु कहते। जैसे आप आग जलाओ तो धुआं होगा, तो आपने तो आग जलाई है तो धुआं पैदा हुआ, लेकिन धुआं देख करके आग का ज्ञान हो जाता है। दूर कहीं आग जल रही होवे तो आग तो दिखाई नहीं देती, लेकिन धुआं दिखाई देता है। तो धुआं अग्नि से अविनाभावी है कि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, अग्नि होएगी तभी होएगा, अग्नि के बिना नहीं होगा। इसको कहते हैं अविनाभावी। अविनाभावी होने से वो अग्नि का ज्ञान कराने में समर्थ है। इसलिए ये नियम है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। क्यों होती है? क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। समझ में आया? अग्नि के होने पर ही होता है, अग्नि के बगैर नहीं होता है। इसलिए धुआं अग्नि का हेतु माने ज्ञान कराने का साधन है। साधन भी हेतु भी कहते, साधन भी कहते। जिसका ज्ञान करना है उसे साध्य कहते, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है उसे साधन कहते। अग्नि साध्य है और धुआं साधन है। हेतु का अर्थ साधन भी है, निमित्त भी है। ऐसा वो ज्ञापक निमित्त। हेतु के दो भेद आते, एक कारक हेतु एक ज्ञापक हेतु। तो जो पर्याय में कर्ता कर्म करण कारक जिसमें लागू पड़ता है व्यवहार से तो वो कारक हेतु है, लेकिन ज्ञान जिसके माध्यम से होता है वो ज्ञापक हेतु कहलाता है। वास्तव में निश्चय के बिना व्यवहार होता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, इस कथन का मतलब क्या है? इसका भाव अपने को ख्याल में लेने के प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरणों में अप्लाई करो। आत्मा चैतन्य स्वरूप है ऐसा कहना वो निश्चय, और आत्मा मनुष्य है
ऐसा कहना वो व्यवहार, अभी वो फार्मूला लगाओगे निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। यानी आत्मा चैतन्य स्वरूप वस्तु उसका संयोग न होवे तो इस शरीर को मनुष्य कौन कहे? समझ में आया है? चैतन्य स्वरूप वस्तु है, चैतन्य सत्ता है, तो उसके संयोग में रहने वाले शरीर को मनुष्य जीव ऐसा कहा जाता है। और अगर चैतन्य स्वरूप निकल जावे, आत्मा निकल जावे, तो माटी है। आज तो गुरुदेव ने बहुत कहा था माटी की बात तो कही थी, पांच इंद्रिय का विषय भोग पूरा घंटा यही चला गया। पांच इंद्रिय का विषय भोग वो पाप क्रिया है, मैं करता हूं ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है। और विषय भोगों के त्याग का जो परिणाम है एक एक पर लगाया, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग है। तो वो पुण्य है, लेकिन मैंने त्याग किया ऐसी मान्यता वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्या दृष्टि को जो व्रतादि होते हैं उसमें व्रतादि का परिणाम तो पुण्य बंध का कारण है, और वो शरीर की क्रिया में एकत्व बुद्धि है वो मिथ्यात्व का कारण, दोनों साथ में चलते। अरे अनंत पर्याय होती ना एक एक गुण की, तो यहाँ तो दो पर्यायों की बात की है खाली। समझ में आता है? ज्ञान भी होता है, मिथ्या ज्ञान भी साथ में होता है। खैर, तो आप इस पे लगाइए निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, यानी आत्मा के बिना शरीर को मनुष्य नारकी देव त्रेंच इत्यादि नहीं कहा जाता, ये अर्थ हुआ है। घी का कड़ा में लगा लो अगर घी अंदर नहीं हो गए तो उस माटी के घड़े को घी का घड़ा कहने का व्यवहार कैसे चले? समझ में आया? ये अर्थ है निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, उसका ये अर्थ है। और वितराग भाव है तो शुभ भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अगर वितराग भाव नहीं है तो उसको तो वही तो है मिथ्या सहित पुण्य बनता है, तो उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहते हाँ अनुकूल माने अनुकूल मतलब उसको उत्पन्न करता है कि मदद करता है, ऐसा नहीं। उसका नेचर ऐसा है कि वो वितरागता के उसके साथ में वितरागता रह सकती है, ये अनुकूलता। देखो मैं अनुकूलता का आपको बताऊं, भारत में तो खैर धर्म निरपेक्ष सरकार है, ख्याल में है ना? अन्य देशों में कई जगह है, कई जगह नहीं है, लेकिन अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है ना, तो अपने धर्म साधन में अनुकूल है। अब वहां के शासन को, वहां के प्रशासन को आपके जैन धर्म का तो कुछ परिचय है नहीं, कोई मतलब है नहीं, लेकिन उनकी पॉलिसी ऐसी है कि आप अपना मंदिर बना लेते हैं, आप अपना स्वाध्याय करते हैं, आप उनके कानून के अंतर्गत रह के आप अपना धर्म साधन करने में स्वतंत्र हैं, इसलिए वो अनुकूल है समझ में आए? अगर दूसरे जो अपने और दूसरे जो देश हैं या मस्कट वगैरह क्या होते हैं ना, वहां तो आप किताब नहीं ले जा सकते हैं। कई देश ऐसे हैं ना, सऊदी अरब वगैरह, वहां तो एक किताब नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा है। तो अनुकूल का ये अर्थ है। तो जो तीन कषाय का अभाव है वितरागता, तो उसके अनुकूल परिणाम है ये कौन सा? महाव्रत आदि का शुभ भाव, उस भूमिका के योग्य शुभ भाव वो अनुकूल है, भूमिका के अयोग्य शुभ भाव वो प्रतिकूल है। अयोग्य शुभ भाव होवे मुनि की भूमिका में, वो मंदिर बनाने का भाव होवे तो वो अयोग्य शुभ भाव है, तो वो सकल संयम के प्रतिकूल है, इसलिए उसके संयम का छेद हो जाता है। वो प्रतिकूल है, इसलिए संयम के घात में अनुकूल है समझ में आया? गृहस्थों जैसा स्वभाव आरंभ परिग्रह वाला, वो अगर दिगंबर संतों के होने लगे, मतलब उनकी विष्णु कुमार को हुआ ना, विष्णु कुमार को मायाचारी हुई, ये हुआ सब, तो उन्होंने उनको मुनिपद छोड़ना पड़ा, दीक्षा प्रायश्चित लेनी पड़ी, तो मतलब उनकी गुण स्थान गिरने में अनुकूल है वो स्वभाव है ऐसी बात है भाई। तो अनुकूल का अर्थ समझना, अनुकूल का अर्थ वो कोई इसको उत्पन्न करता है कि कुछ मदद करता है ऐसा नहीं, लेकिन उसकी प्रकृति ऐसी है कि वितरागता के साथ में वो रह सकता है, अथवा उसके साथ में वितरागता सुरक्षित रहती। अयोग्य स्वभाव हुए तो वितरागता खतरे में पड़ जाती, खतरे में क्या नष्ट हो जाती, वो सुरक्षित नहीं रहती। अनुकूल का ये अर्थ है, इसलिए व्यवहार से निमित्त कहते। व्यवहार धर्म कहो, निमित्त कहो, बहुत से कथन है। फिर तो लोक में तो धर्म ही कहते ना, पूजा पाठ व्रत शील संयम, ये सब धर्मात्मा जीव है ऐसा करने वाले को है, बाधक नहीं है, बराबर है।
व्यवहार से साधक है और बाधक नहीं है, उस अंश की आगे के लिए बाधक है ऊपर चढ़ने के। सब में लगाना एक वस्तु का दो निरूपण है, समझ में आया। अब देखो, राग करने में जीव स्वतंत्र अपनी योग्यता से राग होता है, ये निश्चय नहीं का कथन, और कर्म के उदय से राग हुआ ये व्यवहार नहीं का कथन। अब राग होवे यानी निश्चय का विषय होवे तो कर्म के उदय से हुआ ऐसा कह सकते, और जिसको राग ही नहीं होवे उसको कर्म का उदय है ऐसा कैसे कह सकते, समझ में आया। तो एक तो ये उसके बिना नहीं होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है, इसलिए व्यवहार से परमार्थ का ज्ञान होता है कि जहाँ कर्म उदय है तो वहाँ राग है ऐसा ज्ञान वो कराता है, समझ में आया। इधर इधर से देखो तो राग है तो कर्म उदय का ज्ञान होता है, है? क्योंकि राग तो अपने वेदन में आता है। इस तरह जहाँ जहाँ भी निश्चय व्यवहार के कथन मिले तो आपको दो बातें उसमें देखना चाहिए कि ये व्यवहार निश्चय के बिना नहीं हो रहा है ऐसा व्यवहार है, और दूसरे इससे निश्चय का ज्ञान कराया जाता है। गुरुदेव कहते निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा, निमित्त कौन है इसका ज्ञान कराने के लिए कहा कि कुमार ने घड़ा बनाया कर्म उदय से राग हुआ, ये तो निमित्त का ज्ञान कराने, निमित्त माने व्यवहार, समझ में आया। तो वो व्यवहार इधर घड़ा बना है और कुमार को घड़ा बनाने का राग था, ये ज्ञान उसके घड़ा बनाने की क्रिया से होता है, तो उसने घड़ा बनाया ऐसा कथन, घड़ा बनाया ऐसा बोला उसका अर्थ है घड़ा बनाने संबंधी राग किया, समझ में आया। और घड़ा बनाने संबंधी राग किया इसका ये अर्थ है कि घड़ा उस राग का ज्ञान किया। आज किसको याद किया था गुरुदेव, जो मूल जी भाई को याद किया था, है अपूर्व मूल जी भाई को याद किए, इनमें थोड़ा कुछ उस समय अनुकूलता नहीं होती इसलिए इधर नहीं आ पाता, मजा तो यहीं आने में है। कितना लिया, बीमार हो गए तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर बुलाओ, उनका डॉक्टर को नहीं लालचंद भाई को बुलाओ, इसे गुरुदेव ने बोला, बड़ा एक वाक्य भी बोला था, दृष्टि संपन्न है वैराग्य है, हाँ ऐसा दो विशेषण लगाए थे। लालचंद भाई ने कहा भाई ये तो रोग तो शरीर का धर्म है, उसका स्वभाव है ना, धर्म माने स्वभाव, रोग तो शरीर का धर्म है स्वभाव है, और वो क्या बोलते हैं ज्ञान में जानने में आता है। तो बोली भाई बोले कि रोग जानने में आता है कि वो अपनी पर्याय जानने में आती है, उसने यही सुन रखा था ना, तभी तो लालचंद भाई को बुलवाया। हाँ तो रोग जानने में आता है ये कथन व्यवहार है, क्योंकि रोग पर है और ज्ञान की पहचान हमने ज्ञेय से की, रोग का ज्ञान हुआ, समझ में आया, रोग का ज्ञान हुआ, ये सामने ज्ञेय है उसका ज्ञान हुआ, राग का ज्ञान हुआ, लेकिन तो हमने अपने ज्ञान पर्याय जो कि आत्मा से उत्पन्न हुई है, आत्मा का प्रणमन है, उसकी पहचान ज्ञेय से की है, इसलिए ये पराश्रित कथन है। तो अगर ज्ञान नहीं होता तो रोग को जाना ऐसा कैसे कहा जाता, ज्ञान निश्चय और रोग का ज्ञान ऐसा कहना व्यवहार, तो रोग का ज्ञान ऐसा व्यवहार रोग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान कराता है, इसलिए वो परमार्थ का प्रतिपादक। ये चौथी लाइन है ना, हेतु नियत को होई विराग, उसका चलता है अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई, बड़ा घोटाला है इसमें। हेतु नियत को होई, व्यवहार साधन तो है नहीं, साधन वादन कुछ नहीं है, क्योंकि वो साधन है, मैंने व्यवहार करते करते निश्चय होता है, स्वभाव करते करते वितरागता होती है, ये अर्थ निकालना चाहती, जैसे ना चार ने तो साधन कहा है, उसको निश्चय का साधन भी व्यवहार से कहा जाता है, साधन कहने व्यवहार। अपन यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो अपन गए ये निश्चय, अपनी क्रियावती शक्ति से गए ये निश्चय, तो ट्रेन के निमित्त पर आरोप करके कहा गया, मतलब वो व्यवहार कब बनेगा कि हम जाएं तो वो व्यवहार संभव होगा, वो तो रोज जाती लेकिन तुम जाओ तो तुम्हारे जाने में निमित्त हुई, समझ में आया, तो वो व्यवहार कहा जाएगा, इसलिए निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, यानी तुम्हारे जाए बिना वो ट्रेन जाने में निमित्त नहीं कही जाएगी, समझ में आया। और वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ये दूसरा पॉइंट, ये कैसे लागू करना,
कि हम ट्रेन से गए, ये तो निमित्त का ज्ञान कराया, ये ना जाने की क्रिया हमने की है तो हमारे अंदर भी क्रियावती शक्ति है, समझ में आया। वो ट्रेन ट्रेन का जो कोच रहता है ना, उसके अंदर आकाश द्रव्य भी है, उसके अंदर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी है और काल द्रव्य भी है। वो चारों नहीं जाते है? वो चारों नहीं जाते, उनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। तो ट्रेन से गए ऐसा व्यवहार, क्रियावती शक्ति से गए ऐसे परमार्थ का ज्ञान कराते, और ऐसे परमार्थ का ज्ञान होवे तो ट्रेन से गए ऐसा व्यवहार कहना सच्चा है, क्योंकि वो निमित्त का ज्ञान उसमें कराया गया है। निमित्त को निमित्त तरीके जाने तो निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। हाँ, वो गति में निमित्त नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ट्रेन जाती है उसके अंदर आकाश द्रव्य भी है, ये वो आकाश द्रव्य नहीं जाता है। गजब बात है। धर्मास्ती का है, गति में निमित्त होता है, गति हेतुत्व है धर्मास्ती का है, ये वो खुद गति नहीं करता है। ट्रेन धर्मास्ती काय को नहीं ले जाती, धर्मास्ती काय की सहायता से जाती है। जीव और पुद्गलों को सहायक होता है ना धर्मास्ती काय, तो धर्मास्ती काय के निमित्त से ट्रेन गमन करती है, पर खुद धर्मास्ती काय को उठा के ले जा रहे हैं क्योंकि उसका स्वरूप ही नहीं है वैसा, असंख्यात प्रदेशी लोक में व्याप्त है, इधर से उधर जाने का उसका काम ही नहीं, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं। ऐसा प्रयोग करना और ग्रंथों में जहां जहां व्यवहार ने के कथन आवे तो ये निश्चय का हेतु है, माने निश्चय का ज्ञान कराने वाला है। क्यों ज्ञान कराता है? क्योंकि निश्चय के बिना होता नहीं है, निश्चय के होने पर ही होता है, अन्यथा नहीं होता, इसलिए निश्चय का ज्ञान कराने में समर्थ है। चाहे वो व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात हो, चाहे आत्मा का शुद्ध चैतन्य अखंड एक ज्ञायक स्वभाव, उसको ज्ञान दर्शन चारित्र के व्यवहार से समझाते, समझ में आया। ज्ञान दर्शन चारित्र सद्भुत व्यवहार में तो ये बहुत बढ़िया लागू होता है। क्या व्यवहार परमार्थ का ज्ञान कराता है, ये बात सद्भुत व्यवहार में तो बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट है। ख्याल में आया। शुभ भाव में थोड़ा ऐसा चक्कर पड़ता है के साथ मिथ्या दृष्टि के भी विरतशील संयम तो होते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर वितरागता तो है नहीं, तो वो उसके परमार्थ का ज्ञान कैसे कराएंगे, और हम करेंगे तो वो गलत हो जाए। अरे पहली बात तो उसको व्यवहार, क्रिया को व्यवहार नहीं कहते। तुमने क्रिया को व्यवहार माना इसलिए तुम धोखे में आ गए, समझ में आया। क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। वो तो अंदर मोक्ष मार्ग हो गए तो विरतशील संयम पर उपचार किया जाता है। एक तो इसमें दूसरे की पहचान करने का यहाँ कोई प्रकरण है नहीं, समझ में आया। और अपने में देखने की बात है कि हमारे जो व्रतशील संयम हैं, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे जाने योग्य हैं कि नहीं, कि परमार्थ हो गए तो जे उसका ज्ञान हमें कराएंगे कि अगर इतनी विशुद्धि नहीं होती तो ऐसा हमको अनुव्रत महाव्रत का भाव नहीं आता, समझ में आया। तो व्यवहार कहा जाता है। निश्चय के होने पर व्यवहार का होता है और व्यवहार से निश्चय का ज्ञान होता है, इसका नाम है हेतु नियत को होई। करते करते हो गए ऐसा मान लिया जाए, पहले मैं ऐसा तर्क करता था स्वभावों में, ठीक है थोड़ी देर के लिए मान लें कि शुभ भाव करते करते मोक्ष मार्ग होता, अभी कितना शुभ भाव करना उसकी लिमिट है, कितने किलो करना है, कितना किलोमीटर करना, कितना मीटर, कितना नौवे ग्रह लायक कर लेता है मिथ्या दृष्टि जीव तो भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। और अभी उस बार आश्रव अधिकार में बताया था कि सम्यक दृष्टि को भी 33 सागर तक शुभ भाव चलता रहता है, स्थूल पने अखंड चलता है, स्थूल पने समझ में आया, सूक्ष्म छोड़ देवे अपन करणानुयोग वालों के लिए तो भी वो गुण स्थान में वृद्धि नहीं करता। तो क्या क्या किया, कितने शुभ भाव, कितने भाव तक करे, कितने काल तक करे और किस जाति का होवे, समझ में आया ना। सम्यक दृष्टि को होने वाला शुभ भाव जो है विशेष, वो मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बने और दर्शन शुद्धि आदि सच्ची षोडश कारण भावनाएं होवे, वैसी तो उसको होती नहीं। इसलिए अकेला महामंद कषाय हो गई और गुरुदेव को आज खूब कहा शरीर से ब्रह्मचर्य पाले है, और इतना इतना दया, इतनी कषाय की मंदता, चमड़ी उतारे और उसमें नमक डाले तो भी आंख का कोना भी लाल नहीं होने दे रहे, शांति रखे, धैर्य रख भैया, ये तो हमारे पूर्व कर्म का उदय है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दुनिया तो उसकी पूजा करे इतनी मंद कषाय वाले की, लेकिन जो वितराग परमात्मा है वो जानते हैं कि इसके अंदर
कुछ भी 1% भी धर्म नहीं आया ये मंद कसाई। ये बात समझने में सरल है, पचाने में बहुत कठिन। जैसे वो सीरा होता है ना, खाने में सरल होता है पचाने में कठिन होता है। पहले मैं ऐसी उपमाएं देता था, अध्यात्म जो है वो सीरा जैसा है, है? तो खाने में यानी उसमें कोर्स ज्यादा नहीं है याद रखने का। तुम्हारे जो 20 प्ररूपणा और बंद विच्युति कितना आया था ना, गोमट सार की विषय वस्तु, वो अध्यात्म में नहीं है। तो पर से भिन्न है बस, तो हो गया पर से बस सौ में खस है, सौ में बस पर से खस आएगा तिंद्री आनंद का रस है। ये इतना कोर्स है बस, कोई मंगल है यार, समझ में आया? तो उसमें अध्यात्म की विषय वस्तु को समझना बहुत सरल है, साधारण बुद्धि वाला भी समझ जावे कितने देह से भिन्न हूँ। लेकिन उसको अंदर प्रणमन में लाना, देह से लक्ष्य हटाकर चैतन्य का अनुभव करना, उसको प्रणमन में लाना, वो हुई अपूर्व पुरुषार्थ की बात। और आगम का विषय ऐसा है कि उसमें समझना कठिन है, याद रखना कठिन है, जिसकी किसी को हो जाए भाग्यशाली को है, लेकिन उसमें पचाने लायक प्रयोग करने लायक कुछ नहीं। प्रयोग करना होगा तो अध्यात्म का पुट लगेगा तो ही प्रयोग हो सकता है। ऐसे बंद होता है तो उसका प्रयोग कैसे होगा? ऐसे जीव के परिणाम होते और वो परिणाम भी अपने स्वकाल में स्वतंत्र होते, यहाँ तक जाए तो प्रयोग विधि में आ रहे, समझ में आया? अब बाकी चार प्रकार का बंध है, संवर है, निर्जरा है, जो भी आगम पद्धति का विस्तार है, छह द्रव्य है, उनके गुण पर्याय, निमित्त निमित्त संबंध है, इसमें उसमें प्रयोग क्या करें? प्रयोग तो अध्यात्म से ही होता है। प्रयोग मतलब अंदर में उसका अनुभव करना, निमित्त निमित्त संबंध को भी जाना, तो ये इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, इसका अर्थ है कि मैं परद्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा अंदर में अनुभव करे, ये प्रयोग विधि है। ऐसी बात है भाई, देखो इसमें भावार्थ में क्या लिखा है, पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न ऐसे निज आत्मा का अटल विश्वास करना उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। अटल विश्वास, विश्वास शब्द वास्तव में थोड़ा स्थूल लौकिक है, है? लेकिन उस संकेत तो उसका वो ही है, ऐसा कि जैसे कि मैं मनुष्य हूं तो कोई सपने में देखे कि मैं स्त्री हो गया है और फिर जागे तो भी शंका नहीं पड़े, अरे वो तो सपना था। मैं सपने में ऐसा देखते कोई अपने को मार दिया, किसी ने अपनी हत्या कर दी समझ में आया? ऐसा देखे लेकिन नींद खुल जाए, डर भी लगे तो भी थोड़ी सी चेतना आवे तो बड़ी, हाँ ये तो सपना था, जो मैंने देखा वो सपना था, तो शंका नहीं होती कि मैं जीवित हूं कि मैं मरा हूं। अटल विश्वास, समझ में आया? नींद में हो गए कि पागल हो जावे, सम्यक दृष्टि हो जावे, कोई ऐसा उसका शरीर का प्रणमन ऐसा हो गए, ज्ञान की योग्यता वैसी हो गए, पागल भी हो जाए। पागल सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि पागल हो सकता है क्या कहा? पागल पहले से हो जावे मिथ्या दृष्टि तो उसको तो लौकिक भी स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, तो अंदर का कैसे होगा? ऐसे ही तो पागल है। वो बात अलग है कि ज्ञानी को दुनिया पागल कहती है, वो तो आध्यात्मिक पागलपन है, वो तो दुनिया से ज्ञानी का विचार मेल नहीं खाता है, इसलिए ये पागल लोग हैं। बस दो चार दस आदमी देवलाली में रहते हैं और आत्मा आत्मा करते रहते हैं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ प्रयोग नहीं करते, कुछ ध्यान नहीं लगाते, आगे नहीं बढ़ते। मुझे यही समस्या है कि आगे बढ़ना क्या होता है? इधर से हमारे बंगला नंबर 17 तक जाना, उसका नाम आगे बढ़ना है कि बाहर मेन रोड पर श्रीमद के आश्रम तक देवलाली कैंप जाना, उसका नाम आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? ऐसे सही बात कही ना, हम चार पांच साल पहले जब छिंदवाड़ा में थे तो हमारे वो दिलीप भाई है ना जयपुर वाले, मुंबई आजकल तो जयपुर रहते ज्यादा, तो उनकी फैमिली हमारी फैमिली शिखर जी गए थे, तो हमारे भतीजा भी गया था, बड़ी रुचि वाला, बहुत ऐसा नई नई रुचि लगी उसको, तो जहां ठहरे वहां पर रात में बैठे स्वाध्याय के लिए, चर्चा के लिए, बगल के कमरे में लोग ताश खेल रहे समझ में आया? सिद्ध क्षेत्र में आगे ताश खेल रहे, तो अपन चलो भाई चर्चा करें, तो वो कहते अपन जिंदगी भर यही करते रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे? मैं कहूं भैया तेरा प्रश्न जो है वो हजारों मुमुक्षुओं का प्रश्न है, अकेले तेरा नहीं है। पहले ये बता कि आगे बढ़ना किसे कहते हैं? समझ में आया? उसको ले उस त्याग करे, कुछ व्रतशील संयम पाले, कुछ जीवन में ऐसा आवे
कि आज तक होटल में खाना खाते थे तो होटल का त्याग कर दिया कांदाले, ये तो बहुत साधारण बात है। व्यवहार में इसको कहते हैं कि हाँ थोड़ा इसके जीवन में परिवर्तन आया, आगे बढ़ा, पर इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। ईमानदारी की बात तो ये है, होए भले इसका धर्म से संबंध नहीं है, मतलब अनाप शनाप खाए पिए उसका धर्म से संबंध है ऐसा नहीं है। पुण्य से धर्म नहीं होता है, लेकिन शास्त्र में ये कहाँ लिखा है कि पाप से होता है, समझिए। उसमें तो पाप परिणाम में तो पाप की रुचि तीव्र होने से उतरे तो तत्व निर्णय का, तत्व अभ्यास का चांस नहीं, समझ में आया। पुण्य वाले को चांस है, इसलिए वो परमार्थ वचनिका में गर्भित शुद्धता, परमार्थ वचन का में हाँ अंतर गर्भित शुद्धता, पुण्य में ऊर्धता है, शुद्ध भाव में ऊर्धता कही गई है, भले मिथ्या दृष्टि का हो गए तो भी उसको चांस है, समझ में आया। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ये है, सुनो ध्यान से, जो अपन सुनते हैं चाहे गुरुदेव का प्रवचन हो, चाहे शास्त्र पढ़ें, चाहे आपस में चर्चा करें, उसका स्वरूप अपने ज्ञान में निरंतर गहराई से भाषित होना और स्व संबंधी रुचि में वृद्धि होना, इसका नाम आगे बढ़ना। बाहर का जीवन तो जैसा है, दर्शन वो मंद से मंद, मंद से मंद पढ़ता जा रहे, वो होगा स्व सन्मुखता की रुचि से, समझ में आया। और अकेला मंद नहीं, उपशम की नौबत का काल, उपशम वही सम्यक दर्शन है, है? सचमुच में अंदर में सम्यक तो होना, वो आगे बढ़ा हुआ। बोलो एक द्रवलिंगी मुनि और चौथे गुणस्थानवर्ती चक्रवर्ती, आगे कौन है मोक्ष मार्ग, समझ में आया सुरेश भाई। द्रवलिंगी मुनि एक मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थान वाला मुनि है, बाहर में मुनि यथार्थ आचरण वाला है, और चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि अथवा सर्वासिद्धिगत देव मोक्ष मार्ग में आगे कौन है, चौथे गुणस्थान वाला नारकी, समझ में आया। उसे तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है, इसे तो मोक्ष मार्ग का ताला बंद है। और मजे की बात तो ये, मजे की क्या, दुख की बात तो ये है कि यदि उसको उसमें मिठास ज्यादा आती है तो अभिप्राय में मिठास, इसलिए सम्यक तो उसका रुका हुआ है, जब उसको ये क्रिया का कर्ता मैं हूँ ऐसा अभिप्राय में आता है तो उसका मिथ्यात्व दृढ़ होता है। परसों मैंने बताया था ना, पद्मनंदी पंचविंशति का शुद्धोपयोग अधिकार में एक छंद ऐसा आता है, जो क्रिया ज्ञानी को बंध का कारण होती है वही क्रिया अज्ञानी को मोक्ष का कारण बन जाती है, ज्ञानी को मोक्ष का कारण होती है, अज्ञानी को बंध का कारण हो जाती है। व्रतशील संयम की क्रिया ज्ञानी को निमित्त अपेक्षा मोक्ष का मार्ग है, और अज्ञानी उसमें एकत्व पना कर लेता है तो उसमें उसको और मिथ्यात्व दृढ़ होता है, सूक्ष्म मिथ्यात्व दृढ़ होता है। क्या कहा, सूक्ष्म मिथ्यात्व, ऐसा बाहर से दिखे नहीं, उसको खुद को ही बिचारे को खबर नहीं पड़ती। आत्मार्थी पना हो गए तो वो अपना अंदर के अटक कहाँ है उसको शोध लेता है, और आत्मार्थी पना नहीं हो गए ऐसे परंपरा से ही मुनि पद ले लिया या स्वाध्याय करने लगा या अध्यात्म सुनने लगा प्रवचन में रूटीन में बैठता है, लेकिन अंदर से धगस नहीं है तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ अटकता हूँ, मेरे को कहाँ अटक है, है? कौन मोक्ष की इच्छा, यही उसका मिथ्यात्व है समझ में आया। मोक्ष की इच्छा मंद कषाय की है, और अभिप्राय में अगर मोक्ष पर्याय की महिमा है, मतलब त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव की महिमा नहीं है, इसलिए वो खरा मोक्षार्थी नहीं। खरे मोक्षार्थी को मोक्ष की इच्छा नहीं होती, उसको तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसी अभी वर्तमान में मुक्त दृष्टि में आया, दृष्टि की प्रधानता की बात है, ज्ञान प्रधानता से कहो तो मोक्ष की ही इच्छा है ना वो समय सार में है न, मोक्षार्थी है जीवराज को यूं जानना मोक्षार्थी, कई जगह आता है मोक्षार्थी यत्न से, आमा सदा प्रीतिवंत बन, आमा सदा संतुष्ट ने आनाथी बन तू तृप्त तुझ ने सुख हो उत्तम थसे, मोक्षार्थी की कई जगह बात आती है। ये तो सम्यक दर्शन की बात हुई, आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, समझ देखो इसकी वाक्य स्टाइल देखो, पर वस्तुओं को आत्मा से भिन्न जानना ऐसा नहीं लिखा है, तो वो आत्मा से भिन्न, एक देह को थोड़ी जानना है, आत्मा से भिन्न शरीर को जानना, इसमें तो शरीर को जानने की बात आई, और शरीर से भिन्न आत्मा को जानना ये है मुख्य, जानना किसको,
आत्मा को कैसा जानना, देह आदि से भिन्न जानना, ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। आत्मा से भिन्न, आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना, उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाता है। उसमें सात तत्व का जो शास्त्र ज्ञान है वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तथा पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न होना वो निश्चय सम्यक चारित्र है। आलंबन छोड़कर है, एकत्व बुद्धि तो पहले छूट गई थी, लेकिन अब जो पर की तरफ लक्ष्य जाता है, धंधा व्यापार में, विषय कषाय में, अथवा भक्ति दयादान इत्यादि में, अनुव्रत महाव्रत के विकल्प में, स्वाध्याय में, अरे मन के निमित्त से आत्मचिंतन में, 12 भावनाओं का चिंतन, 16 कारण भावना, अभी तो 16 कारण भावना भी चलती है ना, 10 लक्षण धर्म का स्वरूप का विचार करना, ये सब मन के निमित्त से विकल्प, सब पराश्रित परिणाम है। ये व्यवहार से चारित्र कहा जाता है। खरे खर तो पर से लक्ष्य छूटकर एक चैतन्य में ही परिणति डूबे, उपयोग की भी एकाग्रता, परसों बताए थे ना एकाग्रता के दो अर्थ, कल ही बताए तीन, एक तो उपयोग की एकाग्रता, दूसरे कषाय का अभाव हो गया उसका नाम एकाग्रता, राग द्वेष नहीं होना, समता भाव प्रकट होना, मतलब वो जीव को स्थिरता प्रकट हुई। राग द्वेष होना यही चंचलता है, और राग द्वेष नहीं होना इसी का नाम स्थिरता है। जब एक समझ लो मिथ्या दृष्टि शांत अपने घर में बैठा है, या द्रवलिंगी मुनि है वो एक शांत बैठा है, कहीं जाने आने का विकल्प नहीं, बस अपना चिंतन मनन करता है, अनुभूति नहीं, चिंतन मनन करता है, शरीर से शांत है, दमन नहीं करता, कहीं नियम ले लिया कि यहां से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और एक समझ लो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज है, अथवा केवली है, वो विहार कर रहे, समोसरण उनका विहार कर रहा है, तो वो तो जा रहे, स्थिर कौन है? समझ में आया? केवली परमात्मा की स्थिरता परिपूर्ण है, योग की अस्थिरता वो जुदी बात। समझ में आया? सबसे पहले तो उपयोग की स्थिरता स्वरूप में होती है, रुचि पूर्वक, रुचि के बिना नहीं होती, फिर उसके बाद में उसी के साथ में कषाय का अभाव होता है, और जैसे जैसे उपयोग की स्थिरता का क्वालिटी डेवलप होती है, उसमें गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे वैसे कषाय टूटती। समझ में आया? चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा में स्थिर है, पांचवें वाला भी स्थिर है, पांचवें वाले की स्थिरता ज्यादा है, चौथे वाले की स्थिरता कम है, दोनों भले निर्विकल्प अनुभूति में, अरे पांचवें वाला सविकल्प दशा में हो तो भी स्थिरता ज्यादा है, चौथे वाला आत्मानुभूति में हो तो भी स्थिरता कम है, वो कषाय के अभाव की बात है। और अंदर में वो बाद में उपयोग की स्थिरता, वो तो अयोगी गुण स्थान होने, ये आया सम्यक चारित्र। आत्म स्वरूप में स्थिर होना इसका नाम सम्यक चारित्र है, इसलिए तो स्थिरता के लिए दीप तत्व विचार साधन है। बात समझ, तत्व विचार के मतलब कोई भी प्रसंग बने बाहर में, इष्ट है अनिष्ट है, लगता है राग द्वेष होते, तो विचार करना ये राग आदि परिणाम, तो ये मैं अपने स्वरूप से च्युत होके पर का आलंबन करता हूँ इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं, ये तो मेरे स्वरूप में है नहीं, ऐसा विचार करे तो राग आदि कमजोर पड़ते। समझ में आया? अंदर की स्थिरता का पुरुषार्थ बढ़ता है, तो वो स्थिरता का पुरुषार्थ, इस तरह जैसे पालथी मार के बैठ जाए बाहर में तो ऐसे ही होता है, योग की भी स्थिरता अपेक्षित होती, भाग दौड़ी करते करते इधर से उधर चक्कर लगा के घूमते फिरते, उसमें भले स्थूल विचार चले इन सूक्ष्म जो विचार है उसमें शरीर की भी स्थिरता होती, उतने मात्र से हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब व्यवहार मोक्ष मार्ग निमित्त रूप में कैसा होता है ये जानना चाहिए। निमित्त का ना हेतु नियत को हो, निमित्त है नहीं है ऐसा नहीं है, हेतु इनको, हेतु का मतलब कारण, व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है, व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य। अरे साधन माने होता है साध्य का ज्ञान कराने वाला हेतु, परीक्षा मुख में सूत्र है, साध्य अविना भावित्वेन निश्चितो हेतु। ये भाई जब हमने जयपुर में उपाध्याय में परीक्षा मुख पढ़ा तब हमको ये निश्चय व्यवहार हेतु नियत को हुई अर्थ समझ में आया। हाँ फिर मैंने बाद में खिमचंद भाई से भी चर्चा की, भाई मुझे ऐसा भाषित होता है,
हेतु अपन को घबराना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं हेतु फेतु कुछ है ना। हेतु का अर्थ क्या है? हेतु का अर्थ है कि उसका ज्ञान कराना, निमित्त का ज्ञान कराने वाला, निमित्त का ज्ञान जानना चाहिए कैसा होता है। इसका अर्थ यह कि अगर तुझे जैसा निमित्त होता है भूमिका अनुसार राग होता है वैसा नहीं होता और उससे विरुद्ध होता है तो समझ लेना कि तेरे अंदर अभी वो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है। किसी को दूसरे से पूछने की जाने की क्या जरूरत है? अपनी परिणति अपना जवाब देती है ना। कोई पूछेगा आपको सम्यक हुआ कि नहीं हुआ है, अच्छा मुझे तो खबर नहीं पड़ती। अरे पक्की पड़ती है, हुआ तो पड़ती है, नहीं हुआ तो भी पड़ती है। सम्यक्ति को जैसे परिणाम होते हैं वैसे होवे तो अपने को समझ लो और अतिंद्रिय आनंद उसका गवाह दे देता है। और सम्यक्ति नहीं होवे तो पता चल जावे कि जैसे परिणाम नहीं होने चाहिए भूमिका के अयोग्य होते हैं, मतलब निमित्त अनुकूल नहीं है तो नैमित्तिक भी नहीं है, ऐसा हेतु नहीं। निमित्त का ज्ञान कराने से फायदा क्या है? कहा था ना कि कभी बीमार हो जावे तो डॉक्टर के पास जावे, वकील के पास नहीं जावे। ये निमित्त का ज्ञान कराने का लोक में फायदा है, तो अध्यात्म में मोक्ष मार्ग में क्या फायदा है? कि तेरे परिणति के अनुकूल परिणाम होता है भूमिका के अनुसार, अगर नहीं होता है अनुसार उल्टा सुलटा होता है तो समझ लेना तेरी भूमिका कैसी है। निमित्त से नैमित्तिक का ज्ञान होता है, समझ में आया? ऐसा है। अभी तीसरा छंद लो, छंद तो पढ़े, क्योंकि इसमें पहली पंक्ति में सम्यक्त का स्वरूप कहाँ है, दूसरे छंद में एक दूसरे का लिंक है बराबर आगे पीछे का सब। हाँ तो अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, तो यानी सम्यक दर्शन के साथ में कैसा व्यवहार होता है जो कि सम्यक्त का निमित्त व सहचारी है, उसकी चर्चा में अब बाकी की पूरी जो तीसरी ढाल है वो उसी विषय सम्यक्त के सात तत्व की श्रद्धा है तो सात तत्व का वर्णन करेंगे, फिर उसके जो आठ अंग हैं निसंकित इत्यादि उनका वर्णन करेंगे, और जो 25 दोषों का अभाव हो जाता है वो 25 दोषों का वर्णन करेंगे। वैसे तो छह ढाला की विषय वस्तु बहुत व्यवस्थित और क्रमिक है, लेकिन एक चीज इसमें उल्टी सुलटी हो गई। क्या? कि सात तत्व संबंधी भूल पहले आ गई और सात तत्व का वर्णन बाद में आया। होना तो ये चाहिए कि पहले सात तत्व की परिभाषा बताते, सात तत्व का स्वरूप बताते और फिर बाद में कहते कि ऐसा नहीं मानना और अन्यथा मानना, तो वो दूसरी ढाल का विषय वस्तु बाद में आना चाहिए था, समझ में आया ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन पहले करना था, वो संसार का कारण वहां निपटा दिया ताकि अब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ तो पूरी छठवीं ढाल तक मोक्ष तक बात चलेगी, तो बीच में वो लगाते तो वो ठेगड़ा जैसा लगता, वो अनुकूल नहीं पड़ता कि बीच में सात तत्व संबंधी भूल बता रहे, तो वो पहले बता दी। वहां मिथ्या दर्शन का वर्णन करना है तो मिथ्या दर्शन के वर्णन के प्रकरण में सात तत्व संबंधी भूल का वर्णन पहले आया, इस हिसाब से वो क्रम है। और अब सम्यक दर्शन का वर्णन करना है तो सम्यक दृष्टि को सात तत्व की श्रद्धा कैसी होती है ये बताना, तो सात तत्व का स्वरूप आया, समझ में आया? वो मिथ्या की बात है, यहाँ सम्यक की बात है। देखो जीव अजीव तत्व आश्रव बंदर संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का क्यों सरधानो है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो तिन को सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो। अन्वय सरल अर्थ है, पहले जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष ये तत्व कहे हैं, इनको ज्यों का त्यों सरधानो जैसा इनका स्वरूप जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, अभी आगे उसका स्वरूप भी बताएंगे है, उसका स्वरूप का श्रद्धान ज्यों का त्यों जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। अब आप देखना यहाँ जीव तत्व के वर्णन में त्रिकाली तत्व नहीं आया, वो तो पहले आ गया था जब मिथ्या संबंधी भूल बताई थी ना, तो ही चेतन को है उपयोग रूप आ गया था, पर यहाँ तो पर्याय की अपेक्षा जीव का वर्णन, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा देह जीव को एक गिने वो बहिरात्मा, ये सब आने वाली है कथा।
नौ तत्व का अथवा सात तत्व का स्वरूप जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, सोई समकित व्यवहारी, उनका ज्यों का त्यों श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य में रुचि में चैतन्य में एकत्व बुद्धि में अनुकूल है। और सात तत्वों का श्रद्धान जैसा जिनेन्द्र ने कहा वैसा हो ही नहीं। गीता जैसा माने एक ब्रह्म है और सब नहीं है, समझ में आया? जो भी जगत में अन्य कल्पनाएं हैं, देव कुदेव की, मोक्ष की, संसार की, अन्य मतों में जो कल्पनाएं वैसी माने, लेकिन मुझे तो आत्मा का अनुभव हो गया है, मैं तो देह से भिन्न आत्मा को जानता हूँ, बाकी सब अपनी अपनी मान्यता, सबकी स्वतंत्र है, जुदी जुदी। ऐसा गुरुदेव कहते ना कभी कभी, पोपाबाई का राज नहीं चलता है। पोपाबाई कौन थी, कब हुई, कहाँ हुई, उसके राज में क्या खासियत थी, आज तक किसी को नहीं पता। बहु भाई बहुत कहते कि पोपाबाई का राज नहीं, कौन थी पोपाबाई, ठीक है? हम लोग जब पढ़ते थे चौथी पांचवी कक्षा में, तो एक कोई ऐसी कथा आती थी, कोई राजा था, वो उल्टा सुल्टा न्याय दाया करता था। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, ऐसा पोपा भाई का राज है। ऐसा नहीं चलता है भाई। वास्तव में चैतन्य की रुचि में ये सात तत्व की श्रद्धा अनुकूल है। रुचि के पहले होती है तो इसको भूत निगम से निमित्त कहा जाता है, भूत निगम ने से, और रुचि होने पर तो दृढ़ होती है और यही उसको सुरक्षित रखती। अंदर में आत्मा की रुचि को, आत्मा में एकत्व पने को सुरक्षित, जैसे व्यवहार पैकिंग है और निश्चय माल है, तो पैकिंग के दो काम है, एक माल को सुरक्षित रखना और दूसरा माल को ज्ञान कराना, माल का परिचय कराना और माल को सुरक्षित रखना। तो ये चैतन्य की रुचि का ज्ञान भी कराते हैं और चैतन्य की रुचि को सुरक्षित रखते हैं। अगर ये पैकिंग टूट जा रहे, ये गलत सलत हो जा रहे, तो फिर वो आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। इसलिए इन तत्वों को सामान्य विशेषण यानी संक्षेप से अथवा विस्तार से जानकर दृढ़ प्रतीति करना चाहिए। ये तो अपन ने पंक्तियों के आधार से चर्चा की, बाकी भावार्थ की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया।